चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पाती दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतींद्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतींद्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं चाहती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं,
चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही मृत्यु महामहोत्सव घटित होती है। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी दशा प्रकट होती है कि प्रज्वलित दीपक कमरे के बदलने से बुझ नहीं जाता। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी दशा प्रकट होती है कि प्रति समय जहां भी रहे चैतन्य ज्योति प्रकाशित होती है और यह ज्योति ऐसी सहज है और यह सहज ज्योति प्रकाशित होने का अनंत सामर्थ्य प्रत्येक आत्मा में है, आप में है। प्रत्येक आत्मा अनंत सामर्थ्य लेकर यहाँ आया है, यहाँ बैठा है। प्रत्येक आत्मा में ऐसा सामर्थ्य है, वह ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो। वैसे देखो तो पता भी नहीं चलेगा कि यहां परमात्माओं का मेला है, मगर एक ऐसी अपूर्व दृष्टि का प्रकट होना, ये एक ऐसी दशा है। क्या कभी तुमने ऐसी कल्पना भी की? क्या कभी तुम्हें ये विचार भी आया कि एक बीज को तुमने देखा हो और बीज को देखते ही तुम्हें पूरा पेड़ दिखाई दे, ऐसा घटादार पेड़ जिस पर हरे पत्ते लगे हैं, जिस पर फूल भी खिले हैं, जिस पर फल भी खिले हैं, ऐसा ऐसा एक बीज को देखा कि पूरा घटादार पेड़ दिखाई दिया। क्या कभी तुम्हें ऐसा दिखाई देता है? शक्ति का तो बोध ही नहीं होता जब बीज को देखा। ऐसी ही अज्ञानी की हालत है कि प्रत्येक आत्मा में उसे पापी तो दिखाई देता है, पुण्यात्मा दिखाई देता है, परमात्मा नहीं दिखाई देता। और आत्मा के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ऐसी अपूर्व दशा प्रकट होती है। एक समय के लिए वह दशा प्रकट हुई, क्षण भर ही ऐसा कुछ घटित हुआ कि अब प्रत्येक आत्मा में परमात्मा के दर्शन होते हैं। ऐसी परम समाधि में वह स्थित हुआ, सहज ऐसी दशा प्रकट हुई। ऐसा कुछ घटित हुआ कि उपयोग अंतर्मुख हुआ, सब कुछ परिवर्तनशील जब दिखाई देने लगे तब खोज ऐसी प्रारंभ होगी
कि ये सब कुछ बदलता दिखाई दे रहा है, तो फिर ये कौन है जो ये जानता है? ये कौन है? फिर मृत्यु को सच्चे अर्थ में वह समझता है कि मृत्यु क्या है और वह क्या है जिसे मृत्यु छूती भी नहीं। ये जो जीवन, ये जीवन क्या है? ये सांसें जो शरीर में अंदर जाती हैं और ये सांसें शरीर में से बाहर निकलती है, ये जो टिक 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 ये जो आवाज आ रही है, हवा शरीर में अंदर गई और टकराई और ये जो आवाज आ रही है, हवा शरीर से बाहर निकली, शरीर के परमाणु छाती से टकराती हुई, गले से टकराती हुई, मुंह से टकराती हुई, ये हवा, ये जो टिक टिक कर रही है, ये जो धड़क रही है, ये जो सांसें बह रही है, ये कौन है? और ये बंद हुई, फिर तुम इसे खोजो, उसकी खोज करो, कहां गई? कहां गई? उसे खोजने पर भी तुम न पा सकोगे। कहां गई ये? क्या हुआ? ये ऐसी ही स्थिति है जैसे घड़ी में टिक 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 होता रहता है, और जैसे घड़ी में कांटा घूमता है टिक टिक टिक, और जैसे ही वह टिक टिक ये होना बंद हुआ, जैसे ही वो टिक टिक होना बंद हुआ, और फिर तुम खोजो कि ये टिक टिक कहां गया, ये कहां गया टिक टिक, कहां गायब हो गया? कहीं कमरे में है, कहीं कमरे से बाहर गया, ये कहां गया? ये क्या हो रहा था? ये जो शरीर की ये जो क्रिया है, ये जो सांसें ये अंदर जाती है बाहर आती है, ये प्रति समय ये टिक टिक ये हो तो रहा है, मगर घड़ी में भी वह हो रहा है। घड़ी में जो हो रहा है और यहां जो हो रहा है, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर यह है कि घड़ी में जो टिक टिक हो रहा है, वहां ऐसा कोई नहीं जिसे ये बोध हो कि टिक टिक हो रहा है, और यहां ऐसा जो है जिसे ये बोध हो रहा है कि टिक टिक ये सांसें टकराती है बाहर आती है, ये से जानने वाला कोई है, और वह कौन है? वही मैं हूं, और वही मैं हूं। ऐसी जो अनुभूति हुई कि बस अब वह टिक टिक से तुम पार हुए, फिर वहां कोई टिक टिक नहीं, फिर वहां शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा। ऐसा नहीं कहता कि सांसें रुक जाएगी, ऐसा नहीं कहता कि ये धड़कने, ये धड़कना ये ठहर जाएगा, ये तो चलता रहेगा, मगर तुम पार हुए। आ आ आ आ हे ज्ञान दीपक, तुम पार हुए, बस उस दशा के लिए तुम्हारा यह आना हुआ है। एक समय के लिए तुम्हें वो दशा प्रकट, फिर इस देह के परमाणुओं में फिर तुम्हारा हाथ उठे, पैर चले, कदम आगे बढ़े, मगर प्रति समय चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। ये धारा तुम्हारे अंतर में बनी रहे। कुछ घटित हुआ और वह घटित होते ही अतीन्द्रिय आनंद का आह्लाद छुआ, पर्याय ने द्रव्य को छुआ,
पर्याय द्रव्य में ऐसी अभेद हुई, ऐसे स्थिर हुई कि ऐसा कुछ घटित हुआ, मौन घटित हुआ। आते बहुत है, बैठते बहुत है, रास्ते पर चलना चाहते हैं बहुत है, मगर पाने वाले तो बिरले, बाकी तो बस कानों का मनोरंजन और आनंद, इंद्रियों का बस मान करके ही चले जाते हैं। चलते बहुत है, पहुंचते कोई बिरले, हे ज्ञान दीपक तुम पहुंचो, अरहंते शरणम पवच्चामि, सिद्धे शरणम पवच्चामि, तुम प्राप्त हो, तुम पहुंचो वहां। चलना नहीं, पहुंचना, और पहुंचने के लिए वह जो घटित होता है वो परम शांत अवस्था में घटित होता है। तुम तो अभी इतनी इतनी भविष्य की इतनी अनंत कल्पनाओं को अंदर में संजो करके बैठे हो कि कहां तुम्हें वह चैतन्य का रसपान हो। अभी तो तुम इतने भयभीत कायर, ऐसे भीरु, ऐसे नपुंसक होकर बैठे हो कि पुरुषार्थ ही प्रारंभ नहीं हो पाता। अंतर की यात्रा प्रारंभ होने के लिए तो उन वासनाओं से मुक्त होना जरूरी है। ये उन वासनाओं से जो भविष्य की ओर तुम्हें भटकाती है, क्योंकि जितनी भी वासना है वो भविष्य की ओर भटकाती है। ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगा, तुम विचार करना, मेरी बातों पर भरोसा मत करना, विचार करना। जितनी भी तुम्हारी मनोकामनाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, ये सब भविष्यन्मुख है। भविष्य में ये और अनुभूति वर्तमान में होती है और तुम डूबते हो भविष्य में, और इसलिए तो तुम पाने से वंचित रहे। यहां आने का ये प्रयोजन है, जो मस्ती जहां बस भूत और भावी की पंख ही कट जाए, भूत और भविष्य की पंख कट गई कि फिर तुम उड़ न सकोगे, फिर तुम ठहर जाओगे, क्योंकि पंख ही कट गई, अब तुम ठहर जाओगे। और पंख कट जाना, भूत और भविष्य से मुक्त होना, वर्तमान में स्थित हो जाना, इसके लिए तो तत्व विचार, इसके लिए तुम्हें एक ऐसा बोध हो कि भविष्य उन्मुख जितनी भी मेरी आकांक्षा है, कल्पना है, सपने जो संजोए हैं, जो मेरी आंखों में अभी इतने सपने हैं, मगर सपने कहां, जब आंख ही न रहेगी तो आंखों के सपनों का तो क्या कहना। बस तभी कुछ घटित होता है। शास्त्रों को तुम पढ़ते जाओ, सिद्धांतों को तुम समझते जाओ, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका लघु पढ़ो या गुरु पढ़ो, कुछ भी न होगा, कुछ भी न होगा। शास्त्रों के पन्ने को तुम पलटते जाओ, पलटते जाओ, पलटते जाओ, तब तक जब तक तुम्हारे अंतर में वह मृत्यु का बोध न हो, मृत्यु का बोध न हो। मृत्यु का बोध हो जाए और कुछ घटित होता है। क्या कि तुम शास्त्रों के रहस्य को समझ जाते हो, मृत्यु का बोध हो कि तुम शास्त्रों के रहस्य को समझ जाते हो, मगर तुम्हारी शुरुआत ऐसे होती है कि तुम शास्त्रों के पन्ने को पलटते जाते हो, शब्दों को दोहराते जाते हो, और फिर एक दिन मना कर देते हो कि मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु है ही नहीं, आत्मा अमर है, मगर तुम में कुछ परिवर्तन तो हुआ ही नहीं। शास्त्रों को पढ़ करके तुमने मृत्यु का भी मना कर दिया। मैं कहता हूं मृत्यु का स्वीकार करो, शास्त्र के अर्थ तुम्हें सब समझ में आ जाएंगे।
शास्त्रों के रहस्य को तुम सब अच्छी तरह समझ जाओगे कि क्या आशय है हे ज्ञान दीपक। अंतर में यहां मृत्यु का बोध हो, मृत्यु घटित हो, मृत्यु का ऐसा बोध हो कि बस जीवन में परिवर्तन आए कि बस तुम मुक्त हुए, विकल्पों से मुक्त हुए। और इसलिए तुमसे कहा मरण समय मौन धारण करना, मौन धारण करना। और उसे संक्षिप्त में कहूं, और इसके लिए हे ज्ञान दीपक, मैं तुम्हें आज तुम्हारा 140वां लक्षण कहता हूं। हे ज्ञान दीपक, तुम मौनी होना। हे ज्ञान दीपक, तुम मौनी होना, मौन को धारण करो। और जिसने मौन को धारण किया वह मौनी हुआ। और मौनी का भाव क्या? मौनी का भाव है मुनि हुआ। मुनि शब्द जो बना है वो मौन से बना है, मौन से मुनि। जो मौन हुआ वह मुनि हुआ। कल मैंने कहा स्वरूपवासी होना, सम्यक दृष्टि हुआ, आत्मज्ञानी हुआ। आत्मज्ञानी होते ही अब फिर आगे की यात्रा हुई कि बस तुम अब मुनि होते हो। कोई भी जीव मुनि अवस्था को अंगीकार करता है, मुनि होता है, मौनी होता है। बस उसने मुनि दीक्षा अंगीकार की, सन्यास वह त्यागी हुआ, वो प्रत्याख्यानी हुआ, मुनि हुआ। किसके बल पर? प्रारंभ कहां से हुआ? प्रारंभ हुआ मृत्यु से, मृत्यु से प्रारंभ हुआ। मौत दिखाई दी और फिर यह दिखाई दिया कि मौत को जानने वाला तो नहीं मरता है, वह भी दिखाई दिया कि फिर वह मौनी हो गया, मौनी हुआ। मृत्यु को देख करके सिर्फ नचिकेता ने ही मृत्यु के देवताओं से दीक्षा ली। मैंने पढ़ा जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, नचिकेता के बारे में बहुत कुछ पढ़ाई में पढ़ने में आता था। मृत्यु के देवता से नचिकेता ने संन्यास लिया, दीक्षा ली। नचिकेता ही नहीं, जितने भी मुनि हुए, मौनी हुए, उन्होंने मृत्यु को देख करके, मृत्यु को साक्षात नजर के सामने रख करके ये मुनि धर्म अंगीकार किया। मृत्यु को नजर के सामने रख करके, मृत्यु के सामने, मृत्यु को साक्षी में रख करके मृत्यु, और इसलिए ही गुरु को मृत्यु कहा। गुरु मृत्यु है क्योंकि मृत्यु गुरु है। गुरु के सामने दीक्षा लेता है, मृत्यु के सामने दीक्षा लेता है, गुरु मृत्यु है। हे ज्ञान दीपक, तुम मौनी होना, तुम मौनी होना। ये काल अभी इतना नीचा नहीं, अभी मैं हूं यहां, अभी इतना नीचा नहीं, अभी यहां जीवंत, अभी यहां अनुभूति, अभी यहां मुनि का योग है यहां। हे ज्ञान दीपक, तुम मौनी होना। इतने बोध से तुम भर जाना, बस ऐसे बोध से तुम भर जाना। इंद्रधनुष को तुमने देखा, सतरंगी इंद्रधनुष के रंग को तुमने देखा, पकड़ना चाहा, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ ही न सके। आकाश में इंद्रधनुष बना, अभी इन रंगों को पकड़ू, पकड़ू, पकड़ू,
पकड़ने जाते हो, पकड़ में आता नहीं, पकड़ने की चेष्टा करते करते ही वो बिखर जाता है, और हाथ में पाते हो कुछ भी नहीं, हाथ थोड़े गीले हो गए, पानी पानी हो गए, सुबह का मौसम था, कोहरा छाया हुआ था, इंद्रधनुष को पकड़ने गया कुछ भी नहीं, हाथ गीले हो गए। तुम क्या करते हो? जिन वस्तुओं को पकड़ना चाहते हो पकड़ लो पकड़ लो, वहां तो कम से कम हाथ गीला तो हुआ था, यहां तो कुछ भी नहीं होता, ऐसा ही पड़ा रहता है और मृत्यु आती है। इसलिए मृत्यु का बोध हो और तुम में वह घटित होगा। हा 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 हा। ज्ञान दीपक, अब बोलने का कोई भाव नहीं, अब तुम्हें मौन से समझना होगा, अब तुम्हें मौन की भाषा को समझना होगा। जब भी वो घटित होता है, आत्मा की अनुभूति घटित होती है, तब अब बोलने योग्य कुछ भी नहीं रहा। क्या कहूं क्या कहूं? तुम कहते हो बोलो, कुछ बोलो कुछ बोलो, मगर जिसने पाया उस अनुभूति को, उसका तो बोलना ही बंद हो गया। एक ऐसी मस्ती छाई, प्रकृति ये व्यवस्था करती, जब भी कोई व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होता, आत्मा की अनुभूति को उपलब्ध होता है, देह की अवस्था में स्वयं की सत्ता को न्यारी ऐसी देखता है जो देह में कहीं पर भी नहीं मिली है, ऐसी उस दशा में जो मौन घटित होता है वो बोलता नहीं, प्रकृति बुलवाती, प्रकृति कहती है बोल लो, ये प्रकृति और कोई नहीं, ये प्रकृति वह कर्म की प्रकृति, उदय के परिणाम, मगर वह अंतर में इतना निराला, वो है यहां मगर वो है सिद्धों के साथ। वो तो चमत्कार देखता है, थोड़ी मुट्ठी में मिट्टी को ऐसे पकड़ करके रखा था और ऐसा हाथ खोल दिया, फिर भी मिट्टी गिरती नहीं, ये क्या चमत्कार हुआ? ज्ञानी को चमत्कार का बोध है, मिट्टी मुट्ठी में है, मिट्टी मुट्ठी में है, मुट्ठी को खोला उल्टी किया मगर मिट्टी गिरती ही नहीं, ये क्या, ये क्या, मिट्टी अभी भी चिपकी क्यों अलग नहीं हो रही, ये क्या चमत्कार? ऐसा ये देह के परमाणुओं से, क्योंकि देह के परमाणुओं की पकड़ तो मिट्टी की, मैं देह नहीं, फिर भी ये अभी क्यों आत्मा के साथ ये बंधे हुए,
लटक रहे हैं ये परमाणु अभी क्यों? जैसे ही पकड़ मिटी कि वो घटित होता है कि ये क्या प्रकृति बुलवाती है। आत्मा की अनुभूति हुई, मृत्यु का बोध हुआ। हे ज्ञान दीपक, मरण के समय मौन धारण करना, मौन धारण करना मृत्यु की घड़ी में। तुम्हें गुरु की जरूरत पड़ेगी। अक्सर लोग कहते हैं मरते समय धर्म सुनाने के लिए आना, कहते हैं मौत की घड़ी में फोन उठा लेना, कुछ सुना देना। वही गुरु आ गया, वही मौत आ गई, मगर तुम भागो मत, दौड़ो मत, क्योंकि भागने वाले का तो वो पीछा करती ही है, वो छोड़ती नहीं। बच न सकोगे, वह आएगी, आएगी। किसी पर भरोसा करने योग्य नहीं, किसी पर मैं श्रद्धा ना करूं। ये आदमी उस आदमी पर, ये औरत इस औरत पर मैं भरोसा नहीं करता। एक ही ऐसा कुछ है जिस पर तुम श्रद्धा करना, जिस पर श्रद्धा करना, वह है मौत। मौत पर श्रद्धा करना, वो कभी धोखा न देगी तुम्हें, वो कभी तुम्हारा विश्वासघात न करेगी, वो जरूर आएगी। वो मृत्यु है, मृत्यु मात्र का तुम भरोसा करना, फिर तुम में जो घटित हो वो मुझे कहने की जरूरत ना होगी। हे ज्ञान दीपक, ये अब किनारा आया, अब तो मेरे विदा होने का समय आ गया, अब तो तुम्हें समझ में आए, अब ये पर्दा हटेगा, पर्दा हटे, पर्दा गिरे, बस दुखी मत होना। जैसे ही पर्दा गिरा, तुम कितने लंबे काल से सिनेमा देखने जाओ, नाटक देखने जाओ, नृत्य देखने जाओ, कोई कार्यक्रम देखने जाओ, पर्दा हटता ही नहीं, हटता ही नहीं। और जिस समय पर्दा हटे, तुम रोते हो? नहीं रोते हो, तुम आनंदित होते हो, पर्दा गिर गया, जो देखना था अब वो देख लिया। ये वाणी, ये मेरा होना तुम्हारी नजरों में एक पर्दा है, अब ये पर्दा गिर जाए कि तुम्हें असली परमात्मा के दर्शन हो। वाणी से पार, काया से पार, विकल्पों से पार, ऐसी अनुभूति को उपलब्ध हो। भागो मत, मृत्यु को अपशुकन मत कहो, जिसे तुम कहते हो कि ये मेरा, मैं तेरे बिना जी न सकूंगा, मैं तेरे बिना जी न सकूंगी। तू मरा कि मैं मरी, सती हो जाऊंगी तेरे पीछे पीछे। वो तो जबरदस्ती सती कराया जाता था, कौन होती है सती? जबरदस्ती धक्का देकर आग में डाला जाता था, कौन मरना चाहे? इतने ढोल बजाए जाते थे कि उसके रोने की आवाज न सुनाई दे, इतना घी डाला जाता था कि धुआं इतना हो कि उसे भागने के लिए कहीं रास्ता ही न मिले, और चला दिया जाता था पत्नी को, और कहते हो कि सती हो गई। ये सब झूठ है, कोई सती नहीं होती, क्योंकि सबको प्राण प्यार है, कोई किसी का नहीं। यहां ये भ्रम से मुक्त होना, इसी का नाम धर्म है। दुखी नहीं, आनंदित होना, क्योंकि भ्रम का पर्दा गिर गया और आनंद के दर्शन हुए।
आनंद भवन में विराजमान हुआ। ये पर्दा, ये पर्दा हटा, ये भ्रम का पर्दा हटा, भ्रम का पर्दा हटा। पत्नी कहती है, पति मेरा कितना प्यारा, अरे पति मेरा कितना प्यारा, छोड़ करके चला गया, छोड़ करके गया। बहुत तड़पती है, दुखी होती है, सिर पटकती है, मगर बचपन में मैं देखता था इस गांव में उमराला में पत्नी रोती है, इतनी रोती है, चूड़ी को तोड़ती है, हाथ जमीन पर मार करके दीवार पर, प्रयोजन से टूट जाए बस, जब तक नहीं टूटी तब तक ज्यादा टूट गई कि बराबर टूट गई, अब ज्यादा मारने की जरूरत नहीं, चूड़ी ही तोड़ना है बस, तोड़ गई बस, मुझे छोड़कर के पति चले गए, मुझे छोड़कर के चले गए। और जब अर्थी उठी तब मैंने देखा, अर्थी उठी, चार आदमी कंधे पर लेकर के, जैसे ही अर्थी उठी, उस पुरुष की पत्नी पीछे भागती है, कहां जाते हो मुझे छोड़कर, कहां जाते हो मुझे छोड़कर, मुझे साथ ही ले चलो, मुझे आपके साथ जाना है, मुझे साथ जाना है। और उसके बाद में देखता, तुरंत ही एक झाड़ू लेकर के, कोई बच्चे आते, कोई औरत आती, एक झाड़ू लेकर और झाड़ू लगाते आंगन में, ऐसा झाड़ू लगाते, वो मैंने बचपन में देखा। जैसे ही अर्थी जहां से उठती है फिर झाड़ू लगा देते। और फिर मैंने किसी से पूछा कि ये झाड़ू क्यों लगाया, ये झाड़ू इसलिए क्योंकि यमराज आते हैं लेने के लिए, और यमराज के कदम यहां पड़े हैं, निशान यहां है यमराज के, बोले झाड़ू लगा दो तो वो निशान साफ हो जाते कि दोबारा यमराज को ये रास्ता न मिले, नहीं तो दोबारा भी आ सकते कि मैं कहां गया था, दोबारा यहां ना आए। हम कहते हैं कि हमको साथ ले जाओ, मगर फिर भी झाड़ू तो लगा ही देते हैं कि यमराज कभी दोबारा ना आ जाए, हमको भी लेने के लिए चलो तुमको भी साथ ले जाता हूं, दोबारा आना ही मत। एक ओर से झाड़ू लगाते और मुंह से बोलते हमको ले जाते, ये नाटक में से बाहर निकलना, उसका नाम धर्म है। आनंदित जीवन जीओगे तो, हे ज्ञान दीपक तुम मौनी होना। मृत्यु और मौन, तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, एक क्षण में जब तुम्हें स्वयं को अनुभव होगा सबके लिए, वहां कोई भेद नहीं, कोई पक्षपात नहीं, अमीर को भी आएगी, गरीब को भी आएगी, पैदल चलकर जाने वाले को भी आएगी, और हाथी घोड़े पर बैठने वाले को भी आएगी, वहां कोई पक्षपात नहीं। कम्युनिज्म मृत्यु में सबके लिए एक समान, कोई पक्षपात नहीं, नाना मोटा नो कोई भेद नहीं। अहियां तो एम के भाई स्त्री यहां बैठेगी, पुरुष यहां बैठेंगे, बच्चे यहां बैठेंगे, बूढ़े वहां बैठेंगे, मृत्यु में कोई पक्षपात नहीं, वहां कोई अवसर, वहां कोई पड़ाव ही नहीं,
बीच रास्ते में आ गई, गंतव्य स्थान तक तो पहुंचे ही नहीं, बीच में पड़ाव भी नहीं आने दिया और आ गई। यह तो एक ऐसा दरवाजा है कि जिस दरवाजे से अंदर जाते हुए किसी को देखा, मगर यह न देखा कि अंदर जाने के बाद वो कहां गया। यह तो वह जगह है कि जहां दरवाजा ही दिखाई देता है, उसके पीछे का तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है, और वो दरवाजा ही तो मृत्यु है कि जिसके बाद तो कुछ दिखाई नहीं देता। इस बोध से तुम भर जाना, ये बोधामृत, ये अमृत तुम्हारे लिए समर्पित। प्रति समय ये जागृति बनी रहे, वहां कोई भेदभाव नहीं। मृत्यु की घड़ी में परिवार जनों को इकट्ठा करके संदेश देने के लिए, अंतिम संदेश बेटा ये करना, बेटा वह करना नहीं, और इसलिए ये कहा मौन धारण कर। यहां कोई सुविधा नहीं। एक सपना तुम देखते हो, सपना देखते वो सपना छूट रहा, और तुम किसी को दो संदेश देना चाहो, ये ठीक नहीं। सपना छूट रहा है, यह तो वह घड़ी है जिस घड़ी में उस स्वरूप की अनुभूति ये अवसर प्राप्त हो। इतने अलिप्त हो जाओ, स्वरूप वासी हुए कि फिर मुनि हुए। हे ज्ञान दीपक तुम मौनी होना, सहज तुम्हारा जीवन हो जिसमें कुछ भी बना बनाया न हो, कृत्रिम न हो, कुदरती हो, सहज हो, ऐसा ये स्वरूप है। सहज कांटों पर चलने के लिए मैं तुमसे नहीं कहता हूं कि कांटे को बिछाओ और कांटे पर लेटो, कांटे पर चलो, आग पर चलो, धूप में गरम गरम आग में शरीर को सिकाओ, ये मैं नहीं कहता। ये पागलपन है, ये अहंकार की चरम सीमा है। ये सब तुम्हें कुछ भी न करना होगा। कई जानवर को देखा कांटों पर लेटते हुए, ऐसे तपस्वी जानवर तुमने देखे जो कांटे पर लेटते हैं। मनुष्य तुम देखोगे क्योंकि कांटे पर जैसे ही लेटते हो, अरे ये कांटे पर लेटा, अहंकार मिलता है, अहंकार पुष्ट होता है, तब फिर तुम उस कांटे पर लेटने को भी तैयार हो जाते हो। इसलिए कहता हूं अहंकार, जब भी तुम इस मार्ग में प्रवेश करोगे बहुत संभावनाएं आएगी। तुम घर से बाहर निकलोगे, कतार में दोनों ओर हजारों लोगों की भीड़ होगी, मगर तुम वहां कहीं पर भी न होगे। ये सब तुम्हारी परीक्षा होगी, और जिसने पाया वो तो ऐसे ही निकल रहा है वाहन को लेकर के, निकला है पैदल, मगर इस वाहन को लेकर के, देह के वाहन को लेकर के वो ऐसे निकला है, ऐसे निकला है। ये वो स्थिति आएगी, संभावना होगी, मगर तुम अपने में ही हो। हो 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 हे ज्ञान दीपक तुम मौनी होना, मौनी होना।
अहंकार तुम्हें मिलेगा मिलेगा। मुझे घटना अविस्मरण में आई, एक योगी बैठे हैं पेड़ के नीचे, चूहा उनके पास आया, चूहा आकर बैठा, चूहे से दोस्ती हो गई। आदमी न जाने किन किन से दोस्ती कर लेता, कोई न मिले तो पेड़ पौधों से ही दोस्ती कर लेता। चूहे से दोस्ती हो गई, बिल्ली कभी कभी आती चूहे को खाने के लिए। योगी बहुत परेशान रहता, अब इस बिल्ली से चूहे को कैसे बचाओ। मगर योगी के पास एक ऐसी शक्ति थी, उस शक्ति के बल पर योगी ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि चूहे को कहा, चूहा तुम अब बिल्ली बन जाओ, और वह चूहा बिल्ली बन गया। अब बिल्ली खेलने लगी पास में, अब चूहा नहीं पाला, बिल्ली को पाला है, मगर उसे पता नहीं बिल्ली को पाल करके भी क्या होने वाला है। कुत्ता आया, कुत्ता बिल्ली को खाने, अब क्या करे। तभी उस योगी ने बिल्ली को फिर से आशीर्वाद दिया और कहा कि चिता हो जाओ। अब चिता, वो बिल्ली में से चिता हो गया। जैसे ही वो चिता हुआ कि शेर आया चिता को मारने के लिए, योगी चीते के प्रेम में तब फिर योगी चीते से कहते हैं तुम शेर हो जाओ, और वह शेर हो गया। और जैसे ही वो चीता शेर हुआ कि योगी पर प्रहार करने के लिए, योगी को ही मारकर खाने के लिए ऐसा खड़ा हो गया शेर, योगी डर गया। योगी ने फिर से आशीर्वाद दिया, पुनर्मुषको भव, फिर से चूहा हो जाओ, और वह चूहा बन गया। तब पता चला छोटी से बड़ी 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 झंझट खड़ी करके क्या हाल हुआ। ये अहंकार ऐसा है, जब तुम धर्म के मार्ग में प्रवेश करते हो, समाज तुम्हारी पूजा करती है, भक्ति करती है, आदर देती है, तुम्हें अपनी पलकों पर तुम्हें स्थान देती है, फिर तुम्हारा अहंकार 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 इतनी सीमा पर पहुंच जाता है, व्रत तप उपवास शील संयम ब्रह्मचार्य ब्रह्मचारी तुम स्वयं ऐसा। और योगी की तो कहानी ऐसी कहानी है कि शेर से फिर चूहा हो गया तुरंत ही, मगर अहंकार एक बार शेर का स्थान लेता है, बाद में चूहा होना इतना आसान नहीं। इसलिए
मृत्यु को नजर के सामने रखो। मरण समय मौन धारण करना। बहुत पीड़ा होती होगी, चिल्लाओ मत, पास में सब खड़े हैं, कोई न लेगा तुम्हारी पीड़ा को। एक ही उपाय है कि चुप होकर के तुम मौनत्व को उपलब्ध हो जाओ। कोई न ले सकेगा, तुम्हारी मां पास में खड़ी होगी मगर न ले सकेगी। मां ने जन्म दिया, जन्म नहीं, मां ने मृत्यु दी, क्योंकि जन्म के साथ ही तो मृत्यु। इसलिए मैं जिस दृष्टि से देखता हूं, मां जन्म नहीं देती, मां मृत्यु देती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिक्के की एक बाजू को नहीं देता, दूसरी बाजू भी साथ में ही देता है। मां ने पूरा सिक्का दिया, तो मां ने जन्म ही नहीं दिया, मृत्यु भी दी है। इसलिए मैं मां को मृत्यु देने वाली कहता हूं, मां को काली कहता हूं। और वो काली काली ही नहीं, वह काली काली ही नहीं, वो काल भी है, वो स्वयं मृत्यु है। मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए क्या, कुछ भी नहीं। अब तो मौन की घड़ी आई, मौनी होने की घड़ी आई। हे ज्ञान दीपक, तुम मौनी होना, मौनी होना। ऐसी अपूर्व दशा को उपलब्ध होना कोई समाचार देने के लिए मृत्यु की घड़ी में बाकी ही न बचे, कुछ भी कहने को बाकी न बचे। जैसे अभी आग लगी, अभी यहां भूकंप आए और ये मकान गिरे, क्या तुम अपने बेटे को कहोगे कि तेरा वसीयतनामा, ये तेरा वील बना दू, इतने रुपये यहां रखे हैं, इतने वहां रखे हैं, क्या तुम ये कहने बैठोगे कि भागोगे बाहर? मृत्यु को तुमने देखा, बस ये तो थोड़ी मुलाकात हो गई, बीच रास्ते में तुम मिल गए। साथ में यात्रा करते थे, इसलिए तुम्हारा सबका यहां आना हुआ, थोड़े मिल रही है, कुछ कह दिया, तुम सुनने को तैयार हुए। मेरा बोलना हुआ, बोलना कब तक? शरीर मेरा तुम्हारे जैसा, मगर मैं आनंद का भोग करता हूं और तुम अनंत दुख का। तकलीफ तो होगी दुनिया को जब तुम ऐसी शुद्धता को प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारी बगिया में फूल खिले, लोगों के घर में घास भी नहीं उगती, घास पत्ती भी नहीं, और तुम्हारे घर में फूल खिला। बर्दाश्त न कर सकेगी ये दुनिया, दूसरों का तो दिया भी नहीं चल रहा है, और तुम्हारे पास पूर्णिमा का चांद, पूरा चांद,
पूरे चांद को बर्दाश्त न कर सकेगी ये दुनिया जिसके पास जलता दिया भी नहीं। मगर फिर भी तुम खेलते रहना। वो देख करके कुछ ऐसा घटित होगा, कुछ बोलना है ऐसा जैसे तुम चांद को देखो, चांद को देखो, तुमने कुछ भी नहीं कहा, जैसे तुम तुम्हारी पत्नी के साथ में बहुत कुछ कहते रहे चांद के बारे में, मगर आज पूर्णिमा की वह चांदनी रात और उस पूर्णिमा के चांद को खेलता हुआ देखा, पत्नी को तुम हाथ पकड़कर लेकर आए बाहर घर से, और जैसे ही घर से बाहर लाए एक भी शब्द तुम बोलोगे नहीं, चुप ही रहो, मौन ही रहो और सिर्फ देखो चांद को, और पत्नी भी देखेगी चांद को, और तुम सिर्फ देखो चांद को और पत्नी देखेगी चांद को। तुम्हें जो यहां हो रहा है वहां वो पत्नी में भी होगा। पत्नी को तुम्हें बोलना नहीं पड़ा कि चांद ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं, तुमने तो हाथ पकड़ा और तुमने चांद को देखा, और उसने भी तुम्हारी ओर नहीं, उसने भी चांद को देखा, दोनों ही देखते हैं चांद को, और घटित होता है ऐसा एक समान, जैसा यहां ऐसा वहां। गुरु और कुछ भी नहीं करता, शिष्य को पकड़ता है और उस चैतन्य स्वरूप को बस ऐसे ही देखता है, चैतन्य स्वरूप को देखता है उनके पास में, इतनी निकटता में रह करके वह शिष्य भी उस स्वरूप को देखता है, उसमें भी वैसा ही घटित होता है जैसा गुरु में घटित होता है। गुरु बोलता नहीं है, अब मौन हुआ वह मुनि हुआ। हाउ छे भगवान, बस तो पछी आटलू मारा तमारा माटा आटलू आटलू आतो तो पछी कई भी तुझे बतू हवे, बस आ तो ऐसे आटलू छे हवे तो सुखे बनो। मगर तुम्हारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा, सिर्फ दीवार को तोड़ना होगा, क्योंकि जलता हुआ दिया अंधेरे को दूर कर सकता है, दीवार को गिरा नहीं सकता। दीवार गिरानी होगी, जलता हुआ दिया अधिक से अधिक क्या करे, अज्ञान को दूर किया, प्रकाशित हुआ, बस और क्या। गुरु और शिष्य के बीच में जो कुछ घटित होता है वो यही है, गुरु जलता हुआ दिया अज्ञान को दूर करता है, मगर दीवार के पीछे जो है वो व्यक्ति दीवार को गिराना ही नहीं चाहता। और ये जलता हुआ दिया दिए को प्रज्वलित कैसे करे, वो दीवार बीच में आती, वो दीवार और कुछ भी नहीं, शिष्य के अहंकार की दीवार है, वो दीवार गिरानी होगी, वो गुरु न गिरा सकेंगे, वो तुम्हें गिरानी होगी, फिर शब्दों से पार ऐसा मौन घटित होगा। मरण समय मौन धारण करना, मौन धारण कर। मृत्यु के बाद शोक सभा होगी, तुम्हारी होगी, मेरी होगी, सबकी होगी, सब लोग बैठेंगे,
फलाना फलाना आदमी चला गया, उसके आत्मा के लिए, आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन। कितनी बार तुम सभा में गए हो, तुम्हारे जाने के बाद में दूसरे मौन रखे, उससे पहले वो 2 मिनट का रखे, उससे पहले तुम 1 समय का मौन धारण करना। ये मरते समय भोगों का स्मरण मत करना, रिश्तेदारों का स्मरण मत करना। जितनी ज्यादा पकड़ होगी वो छूटने में पीड़ा होगी। ये सब भ्रम झूठा, मेरी मां मेरा बाप, तुम्हें थोड़ा कठोर होना होगा, तुम्हें बहना न होगा। स्वरूप तो यही है, स्वरूप के आगे और कुछ भी नहीं, वही शिखर है। हे ज्ञान दीपक, तुम मौनी होना। जब भी कोई जीव मुनि होता है, नियम से निर्विकल्प अनुभूति के काल में ही मुनि होता है। एक बात अच्छी तरह समझ लेना, मुनि कोई होता है निर्विकल्प अनुभूति के काल में, मौनी होना। जैसे अभी बैठा है और हाथ में मोर पीछी ली, कमंडलू ले लिया और निकल पड़ा कि मुनि हो गया, नहीं। सदा काल ये नियम जानो कि जब भी कोई जीव मुनि होगा, मुनि अवस्था घटित हुई, घटित होने का काल होगा, उस समय वह मौन होगा, उस समय वो स्वरूप में लीन होगा, उस समय वो निर्विकल्प ध्यान में लीन होगा। क्योंकि मुनियों के जो गुण स्थान है ऐसा है, ये आ भगवान, पता चलेगा ना 5, 50, 25 बतू छबर पड़े तो ये भी रीते जारे, ये तो आपको अनुभव थाई ने, त्यारे अनुभव थाई त्यारे नी खबर पड़े कि असम्यक दर्शन थयु, परिणति निर्मल थई, निर्मल परिणति माथी एवी परिणति नी शुद्धता नी वृद्धि थई के एवी निर्विकल्प अनुभूति के उस दशा में। उसका नियम क्या है वो नियम थोड़ा समझो, अनंत ज्ञानी की उस दशा को समझो, तुम्हें आएगा समझ में कि मुनि होना क्या है, मौनी होना क्या है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 गुणस्थान, और 5 गुणस्थान के ऊपर अब 6ठा गुणस्थान, 6ठा, 7वां, 8वां, आगे 6 से लेकर के 12वें गुणस्थान तक मुनि के गुणस्थान कहे, 6 से 12, 13वां और 14वां गुणस्थान अरिहंत भगवान का गुणस्थान, और 13वां 14वां गुणस्थान अरिहंत भगवान का गुणस्थान, और 14वें गुणस्थान में अयोगी केवली गुणस्थान में वह मौन होता। ये बोधामृत जब लिखा गया था तब मुझे ये बात स्मरण में आई थी, जो अभी दोबारा स्मरण में आई। 14 और 0 140वीं गाथा, सकल जगत
एठवत अथवा स्वप्न समा। I am the soul and separate from the body. Just realize for a moment. You will feel separation between the soul and body. In spite of being with the body, you will be out of the body. Body is there, but you are not there at all. And you will realize the supreme inner bliss. ऐसी वह दशा, चौदवा गुणस्थान। मौन, मरण समय मौन धारण करना, वो भी एक मरण है। चौदवा गुणस्थान, उसे भी एक मरण कहा। मोक्ष जब होता है उसको मरण कहा। पंडित पंडित मरण, जब मोक्ष होता है देह को छोड़ता है, अरिहंत भगवान देह को छोड़ते। पंडित पंडित मरण, मरण के 18 प्रकार के भेद हैं। मैंने मरण का हरण के प्रारंभ में ही लिखे वे 18 प्रकार मरण के बारे में विवेचन किया, उसमें एक ये पंडित पंडित मरण। पंडित शब्द भी बहुत महान शब्द है, मगर अभी उसका अर्थ इतना तुच्छ हो रहा है कि बस शास्त्रों को पढ़ने वाला ही पंडित, बस इतना ही। उसमें पंडित पंडित मरण, चौदहवें गुणस्थान, 5 ह्रस्व स्वर बोलने जितना ही काल, इतना ही वह काल चौदहवें गुणस्थान का। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति 13वें गुणस्थान, 14वें में नहीं। मोक्ष होने से पहले, मरण होने से पहले, मरण समय, कुछ समय, बस मरण समय मौन धारण कर लिया। 140वां बोधावृत, 6 से लेकर के 12वें गुणस्थान तक मुनि के गुणस्थान। और एक नियम, 6ठा गुणस्थान और 7वां गुणस्थान, नीचे से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, मुनि के गुणस्थान है ही नहीं, अब 6ठा और 7वां। तो जब भी कोई जीव मुनि होगा तब, या 6ठे में और 7वें में, तो 6ठे में शुभ भाव है, शुभ भाव माने शुभ विकल्प का गुणस्थान, और 7वें गुणस्थान में शुद्ध भाव, 7वें में शुद्ध भाव है। और यह नियम है कि 1 से कोई 6 में नहीं जाता, 2 से 6 में नहीं जाता, 3 से 6 में नहीं, 4 से 6 में नहीं, 5 से 6 में नहीं, 1 से 5 गुणस्थान से 6ठे में कोई नहीं जाता, 6ठे गुणस्थान में कोई आता है तो 7वें से ही आता है, ये नियम है। क्योंकि 6ठा गुणस्थान शुभ भाव का, विकल्प का गुणस्थान है, और विकल्प करते करते कोई ऊपर नहीं चढ़ सकता, विकल्प तो गिरता है तब आता है। ऐसा ऊपर जाने के लिए तो अंतर की यात्रा है, इसलिए जब भी किसी जीव का 7वें गुणस्थान में जाना हो तब वह मुनि होता है। सीधा 6ठे में कोई नहीं जाता, पहले 7वें में जाता है। और 7वां गुणस्थान शुद्ध भाव का है, लीनता का गुणस्थान है। तो जब भी कोई जीव मुनि हुआ तो 7वें में गया, वो तो लीनता है। तो जब कोई जीव मुनि होता है तब मौन होता है, विकल्पों से भी मौन होता है, वाणी से ही नहीं। मुनि धर्म फिर आत्मा में से फिर बाहर आया, और फिर अब 4 हाथ जमीन देखकर चलता है। अब वो 6ठा गुणस्थान, अब वो विकल्प वाला गुणस्थान, मगर सीधा वहां देखना वो तो बाद में हुआ, अंतर में लीन होकर 7वें से फिर वो 6ठे में आया। मगर मुनि हुआ तब तो निर्विकल्प ध्यान की दशा थी, ऐसी निर्विकल्प दशा थी। पहले गुणस्थान, चौथे गुणस्थान और 5वें गुणस्थान, ये 3 गुणस्थान ऐसे नीचे वाले, पहला चौथा और 5वां। पहले से भी कोई 7वें में जा सकता है, चौथे से भी 7वें में जा सकता है, और 5वें से भी 7वें में जा सकता है। ऐसा सब, ऐसा स्वरूप है तो सब। मगर कोई जीव मुनि होता है तब निर्विकल्प ध्यान के काल में मुनि हुआ ऐसा। फिर शास्त्र लिखते लिखते मुनि कोई नहीं हो जाता,
मौन धारण हुआ कि मुनि हुआ, ये रहस्य है। आप समझ परमात्माओं ने मुनि के स्वरूप को सुना, सुनकर के सबसे पहला भाव अब आपके लिए ये कि सच्चा गृहस्थ हो जाओ। यदि मुनि तुम्हारे सामने आए तो मुनि के सामने कैसे पेश होना है इतना तो तुम्हें पता कम से कम हो, जो तुम बिल्कुल नहीं जानते। सच्ची कहता हूं, तुम बिल्कुल नहीं जानते। तुम मेंढे की भांति आंखें फाड़ फाड़ करके देखोगे और वह मुनि ठहरेगा नहीं, वह स्वरूप। अवसर मिला मैं आप परमात्माओं से कहूंगा, मुनि के बारे में तो कहा, अमुनि के बारे में कहूंगा। असुत्ता मुनि, सुत्ता अमुनि है, हाँ ये अत्यंत नहीं। आप समझ परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर ध्यान पूर्वक सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, मैं आप परमात्माओं का ऋणी हूं। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार कर। Sweet Sunday.